मई और आज है मेरी फ्रेंड की शादी, तो बस उसकी तैयारियां ही चल रही हैं। सो आज अभी मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन, फेक नेल एक्सटेंशन लगवाने, और ये मैं घर पे ही करूँगी। मैंने मंगवाया था मार्केट से, तो अभी मैं उसको सेट करूँगी और फिर फेक नेल्स के साथ आपको मिलूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे लगता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, बट काफ़ी इसके बारे में रिव्यू देखा था मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि आप जो नेल एक्सटेंशन जाके मार्केट में लगवाते हो और इतना टाइम जाता है, उससे बेहतर ये होता है कि हार्डली 20 मिनट आपको देने होते हैं और फिर टंटना अच्छे नेल्स आ जाते हैं, और आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो चलिए पहले फेक नेल लगवा लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने फेक नेल लगवा ली है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सच में इसको लगवाने के बाद ना एक बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम ऐसे फेक नेल लगाए, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे ओरिजिनल नेल है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लगा। और बाकी मुझे जाना है पार्लर, सो 3 बजे हम लोग का निकलने का प्लान है, तो शालिनी को भी लेके आना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब वैसे भी आज तो शादी है। सो गाइस, अभी हो रहे हैं 3:30 और अब मैं निकल चुकी हूँ पार्लर के लिए। तो वो है मेरा लहंगा जो आज मैं पहनने वाली हूँ, ब्लू कलर का। चलिए चलते हैं पार्लर, काफ़ी दिन भी हो गए। शादी वादी में ही जाना होता है, इससे पहले मैं काजल की शादी में गई थी, और अभी फिर मौका मिला है फ्रेंड की शादी में, चलते हैं, चल के तैयार होते हैं। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ पार्लर में, और मेकअप के बाद आपको मिलती हूँ। मेकअप के लिए पूरी रेडी हो चुकी हूँ, ब्लाउज़ पहन लिया है मैंने, इसी से टच करता हुआ मेरा लहंगा है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फेस का मेकअप कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ हेयर डू करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, करवाने के बाद। तो फाइनली मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, हेयर डू भी हो चुका है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हेयर डू करवाया है, और हमेशा वही बीच में सिंदूर, साइड में पफ, तो थोड़ा सा अलग लुक बहुत ज़रूरी होता है। और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये घूंघट है थोड़ा सा, एक्चुअली ससुर जी भी आएंगे ना, तो पूरा परिवार आएगा। सो ये है लहंगा और ये हूँ मैं, और यहाँ के सारे लोगों ने मुझे तैयार किया है, हालांकि सब लोग थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, बट कोई नहीं, बहुत ही अच्छे से रेडी किया है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उसे अच्छा तैयार किया है, और अब आप लोग का कमेंट आना चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो हम और आशी इधर देखा, तो हम और आशी पहुँच चुके हैं हॉल में, और शालिनी भी पहुँच चुकी है, तो चलिए हम चलते हैं हॉल के अंदर। तो ये है हॉल का गेट, और अब हम इंटर करते हैं। तो ये देखिए, प्री वेडिंग सूट की फ़ोटोज लगाई गई है और बड़ी सुंदर दिख रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं शालिनी से मिलने, तो चलिए आपको जल्दी से शालिनी से मिलवाती हूँ, बड़ी प्यारी लग रही है। मैं तो मिल चुकी हूँ, और हाँ मैं मिल चुकी हूँ ना फोटो में। ये सोच रही थी कि कहाँ देखी। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, और अब आप मिलने वाले हैं मेरी दुल्हनिया से। हाय, आज तो कुछ बोल दे यार, आज तो कुछ बोल दे, बहुत कुछ भी नहीं बोलती है। और ये प्रॉपर कहीं लाइट वाइट जलाओ, अच्छे से फ़ोटो वोटो शूट किया, हमने कहा पहले व्लॉग कर लेते हैं, सबको हाय हेलो बोल दो, उसके बाद तो तुम भी शादीशुदा हो जाओगी। भाई भाई कमेंट में एक बार बता देना कैसे लग रहे हैं। अरे तो बहुत ही अच्छी लग रही हो यार, बहुत ही अच्छी लग रही हो। एक वहाँ है, हम खुद ही नज़र उतार लेते तीनों की आए, और अभी बारात नहीं आई है,
और लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, फ़ोटोशूट होगा, सारे चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप मेरी फ्रेंड को नए लाइफ में, वो एंट्री करने जा रही है, तो आप उसको गुड विशेस दीजिएगा जिससे वो अपनी लाइफ में सबको खुश रख पाए और खुश रहे। तो यहाँ पर बारात आने में भी बहुत टाइम है, तो हम लोग यो यो वाले और ये आजकल जो चला है ट्रेंड में, ये वो भी चश्मा पहन के फोटो शूट करा रहे हैं। क्यों हंसे यार, ये नहीं चला, इसको पता नहीं कौन सा स्टाइल बोलते हैं, बट खैर हम लोग ये मैं भी तो हूँ। हाँ तुम भी हो, तुम कुछ बोलोगी तभी मौजूद रहोगी हमारे वीडियो में, वरना फिर पहचानी नहीं जाओगी, समझे? गजब बेइज्जती है। क्यों दोस्तों, है ना ऐसा? नहीं होगा जरूर, हमारे दोस्त लोग बोलते, आप बोलते रहिए तो आपको पसंद किया जाएगा, आप चुप रहोगे। चली काय सी भरवा और रो दे वर्जन और तनी पैर वैर छू, नहीं तनी पान वान किया वा। हाँ तनिक पान वन किया। वैसे भी ये जो फैजाबाद की भौजाई जो है ना, वो थोड़ा बनारस से बिलोंग करती हैं, तो पान वान तो भौजाई को बड़ी पसंद है। तो फाइनली मेरे मम्मी पापा और बाबू मतलब मधुर आ गए हैं, तो जा रही हूँ मैं उनको रिसीव करने और आपसे भी मिलवाती हूँ मम्मी से और पापा से। मेरी फैमिली आ गई। सो मम्मी पापा के बाद अब आ गए हैं रिकी और काजल और मधुरिया, तो यही है हमारे पास। सो मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही? तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो, देखो सब ऐसे मूर्ति बन के खड़े हो गए। थैंक यू। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे लगता है, इधर से सब अगर पसीने निकलने लगे ना तो मुझ सब इतना खाली हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम लोग खा लो, उसके बाद हम घर चलते हैं। पति देव आ गए, बारात भी आ गई है, वो है लड़के की कार, तो वो जब तक आया नहीं है पति देव से मिलवा देते हैं। और मम्मी पापा खाना खा चुके हैं और ये मेरे अंकल जी, जो लग रहा था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं, लेकिन आके बहुत खुशी हुई। ये आंटी देखेंगी, आंटी अंकल यहाँ खाने आए हैं। कहाँ बिना निमंत्रण के खाते घूम रहे हैं दादी। अच्छा तो मैं बता देती हूँ कि आंटी, आज निमंत्रण जो था वो मेरी तरफ से था, मेरी फ्रेंड की शादी है इसलिए मैंने पर्सनली अंकल को इनवाइट किया था। इस भीड़ में मेरी बहन भी है, खब्बू बहन। जिसने कुछ नहीं खाया कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। तो बारात आ चुकी है और हमारे दूल्हे राजा का बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत हुआ और यहाँ पर द्वार पूजा और तिलक के रस्म किए जा रहे हैं। और ये जिन्होंने सामान लिया है वो है शालिनी के भाई। तो यहाँ पर भैया तिलक में जो भी सामान लगते हैं वो सारे अखिलेश भैया को दिया जा रहा है। सो इसके बाद यहाँ पर जितने भी बाराती आए हुए हैं वो अपना पूरा आनंद उठा रहे हैं इस रस्म का, और अपने एक दूसरे में बातें तो खैर चलती ही रहती हैं। तो पीछे जो सामान देख रहे हैं वो लड़की को देने वाले सामान है, जिसमें फ्रिज, बेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर हूँ मैं भी, तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब से बोला शूट कर दीजिए वीडियो, जिससे हमारे दोस्त लोग थोड़ा बहुत झलक तो देख ले दूल्हे राजा का। फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब ने शूट, फाइनली वरमाला के लिए हम लोग जा रहे हैं।
भैया मेरे कैमरे में सबसे पहले हाय। और उसके बाद हमारे दूल्हे राजा लड़की का हाथ पकड़ते हुए स्टेज तक लेके गए और यहाँ पर बहुत सारा ही फोटो शूटा। और तो यहाँ पे जयमाला के लिए लोग खड़े हैं और रात में हो रहे हैं 12, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग का उत्साह देखकर कि ये लोग जयमाला के लिए अभी तक पूरे धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, धैर्य और उत्साह के साथ। यहाँ पर आ चुकी आरती की थाली। तो अभी तो खैर ये ट्रेन में नहीं है कि लड़कियाँ कहाँ आरती उतारती है, बट बड़ी मम्मी के हिसाब से ये करना ज़रूरी था तो बड़ी मम्मी ने इसमें दिया जलाया और इसमें अलग अलग कलर के अभी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी प्यारी दोस्त अपने होने वाले पति परमेश्वर की आरती कर रही है और साथ ही साथ मुस्कुराहट पे मुस्कुराहट, मतलब मुस्कुराई जा रही थी। उसके बाद आरती करने के बाद इसने ये भूल गए कि भाई साहब इसको टीका भी लगाना है। हाँ टीका लगा है, लेकिन फोटोग्राफी में टीका लगाना सूट नहीं हो पाया। तो हमारी फ्रेंड ने फिर से जो है अपने पति देव को टीका लगाया। देन उसके बाद अब बारी आ गई है चरण स्पर्श की। तो हमारी फ्रेंड अपने पति देव के चरण स्पर्श कर रही है और साथ ही साथ मन में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसको सोच सोच के खूब खुश हो रही है। बेटा छुआ लो पैर, अब आगे मैं क्या बोलूं। खैर बहुत ही अच्छा लग रहा था इन दोनों को ऐसे साथ देख कर, और बहुत बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी इनके लिए। और अब बारी आ चुकी है जयमाला की। तो यहाँ पर फोटोग्राफर अपना काम कर रहा था, पोज इन लोग से करवा रहा था और ये लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। खैर बहुत सारा फ़ोटो शूट हुआ। देन उसके बाद ये हुआ कि भाई अब एक दूसरे को माला पहना दो, लेकिन उसमें भी फ़ोटोग्राफर ने बोला कि थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे, मैं फ़ोटो शूट कर लूँ। तो खैर कोई नहीं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कह रहे थे बहुत लेट हो रहा है, वरमाला का रस्म करवाओ। लेकिन फिर उसके बाद बहुत समय बाद ये एक शुभ मुहूर्त आ गया और हमारे अखिलेश भैया जी को शालिनी ने वरमाला पहना दिया। और उसके बाद हमारे जो है भैया जी ने शालिनी को वरमाला पहनाने की रस्म को पूरा करते हुए यहाँ इस रस्म को कंप्लीट करते हैं और बोलते हैं जय श्री राम। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग स्टेज से उतर गए जिससे कि बाकियों को भी मौका मिले फ़ोटो शूट करवाने का। तो यहाँ पे सब लोग वन बाय वन करके स्टेज पे जा रहे थे, अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आइए आपको थोड़ा सा मैं हॉल भी दिखा दूँ। तो ये है हॉल जिसमें बहुत ही खूबसूरत सजावट हुई थी और बहुत ही प्यारा दिख रहा था और खाना भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल सारा कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था भैया ने। तो ये है हॉल जहाँ हम लोग आए थे अपनी फ्रेंड की शादी को एंजॉय करने, और एंजॉयमेंट हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं होगा हम लोगों से। सो फाइनली जयमाला ख़त्म हो चुका है, अब होनी है शादी। तो बहुत सारे लोग हैं तो अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि जो हम लोग की क्षमता थी ना वो जवाब दे चुकी है। और ये है आंटी आशी की मम्मी, और मैंने अपनी मम्मी से मिलवा ही दिया। तो चलते हैं घर, है ना। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बहुत ढेर सारा वाला प्यार दीजिएगा इस वीडियो को।